जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, गुरु शनि का दोहरा गोचर कल्याणकारी गोचर। ज्योतिष शास्त्र की बहुत सी किताबों के अंदर, बहुत से शास्त्रों के अंदर, बहुत सी क्लासिकल्स बुक्स के अंदर ये बातें बताई गई हैं कि गोचर की भी अपनी अहम भूमिका है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम कुछ मुख्य ग्रहों का गोचर देखकर ये कह सकते हैं कि भी आने वाले साल 1.5 साल के अंदर आपके साथ ये घटना घटके रहेगी। और इतना भी यदि कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति को बता दे या एक आम आदमी किसी की कुंडली को देखकर ये कह दे कि आने वाले साल भर में आपकी नौकरी लगने वाली है, आपको संतान हो जाएगी या आपका विवाह हो जाएगा और वो घटना घट जाती है, तो ऐसा लगता है कि वाकई में उसे कितना ज़्यादा ज्ञान है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बताने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको बहुत सरल तरीके से हम देखें और जानें। उसी जो बात को ध्यान में रखते हुए हम गुरु और शनि के दोहरे गोचर को हमेशा देखते हैं, क्योंकि दोहरा गोचर हमेशा उन ग्रहों का होता है जो लंबे समय तक एक राशि को स्थान पर बैठकर प्रभावित कर सकते हैं या कहीं स्थान पर लगातार दृष्टि देकर प्रभावित कर सकते हैं। उसी सिद्धांत में है गुरु और शनि। गुरु जिसको हम फल प्रदाता कहने हैं, हमें किसी भी भाव का अगर फल लेना है, चाहे हमें धन चाहिए, मकान चाहिए, संतान चाहिए, शिक्षा चाहिए, विवाह चाहिए, भाग्य कर्म या लाभ चाहिए, वो बिना बृहस्पति की कृपा के नहीं मिलता। इसलिए बृहस्पति को फल प्रदाता या फ्रूट देने वाला प्लेनेट माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो शनि को हम काल के स्वरूप में देखते हैं, क्योंकि शनि कर्म फल प्रदाता तो है ही है, शनि काल स्वरूप है कि कब आपका वो समय होगा। क्योंकि बिना कर्मों के जीवन में कुछ नहीं होता। आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करते हैं उसमें कोई ना कोई कर्म आपका इन्वॉल्व होता है, इसलिए शनि को हम काल या कर्म भी कहते हैं। अब शास्त्र कहता है जब ये दो ग्रह, एक गुरु जिसको हम फ्रूट्स देने वाला, फल देने वाला कहते हैं, एक शनि जिसको हम काल कहते हैं, अगर ऐसे दो ग्रह मिलकर किसी भी भाव में बैठ जाएं या इकट्ठे किसी भी भाव को देख लें, उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि हो जाती है। जिसको हमने कहा कि हम मोटे तौर पे देखकर कह सकते हैं कि भी आने वाले साल 1.5 साल में आपका ये काम हो जाएगा। आपको भी याद आएगा कि पंडित जी ने कहा था कि हमारी शादी साल भर में हो जानी है और वो हो गई, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ ये आने वाले साल भर के अंदर अच्छी चलेगी और वो मैंने अपने जीवन में देखा। उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार 2024 के अंदर गुरु और शनि कौन सी ऐसी मजबूत स्थिति को पैदा कर रहे हैं कि जो काम आपके 2024 के अंदर होकर ही रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2024 के अंदर सिर्फ 30 अप्रैल तक ही बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वो वृषभ राशि में चले जाएंगे और शनि पूरे वर्ष 2024 के अंदर कुंभ में ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस दोहरे गोचर की कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो निश्चितता इस बात को बता देंगी कि हाँ, आपके साथ ये काम होना ही है। अब इसको आप अपनी राशि के आधार पर हम आपको दिखाएंगे कि आपकी राशि से ये स्थितियां कैसी बनती हैं, उसका आपके जीवन में कब क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं, इन सबको हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, छोड़े नहीं, कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छुटनी नहीं चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझाने का तरीका, बताने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं आपकी राशि या आपका लग्न अगर कुंभ है तो आपके लिए शनि गुरु का दोहरा गोचर क्या दे रहा है और क्या आपको देगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष 2023 में कई सारे ग्रहों का परिवर्तन हुआ था, शनि का, गुरु का, राहु का, इसलिए 2023 काफी उठापटक वाला साल भी रहा है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी रहा है। अब शनि आपकी राशि के मालिक हैं और गुरु तीसरे घर में चल रहे हैं। ये गुरु अभी 1 मई 2024 तक यहीं रहेंगे। शनि की दृष्टि आती है गुरु के ऊपर, और जब शनि की दृष्टि गुरु पे आती है तो इस बात को बताती है कि शनि का गुरु पर प्रभाव तीसरे घर को दोहरा गोचर देता है। हमारा विषय ही दोहरा गोचर का है और ये दोहरा गोचर एकदम परफेक्टली काम करता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष एक साधारण तौर पर ज्योतिष को जानकर ये कह सकता है कि भाई आपके 2023 में, 24 में, 25 में या 26 में जहां भी शनि गुरु का गोचर उसको लगाना है और वो लगा के बता दे कि भी आपका साल भर में ये काम होगा। हमने देखा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस सबसे मुख्य आज के चीजों में क्या है, कम्युनिकेशन।
जितने भी लोग पब्लिकली काम कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग का काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशंस का काम कर रहे हैं, जैसे आज के समय में कितने सारे एप्लीकेशंस हैं जो होम डिलीवरी का काम करते हैं, कितने सारे चीज़ें हैं जो मोस्टली ऑनलाइन हो चुके हैं, तो जितने भी लोग ऑनलाइन हुए हैं उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। और आप देख लीजिए, जब से कोविड आया है उसके बाद से ऑनलाइन की कनेक्टिविटी ज़्यादा हुई है। और 2023 में देखें, 22 में देखें, 22 के बाद 23 में देखें, तो ये कनेक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। 23 में भी बहुत सारे लोग इस चीज़ों में आए। तो जिनका कनेक्शन थर्ड हाउस से है, क्रिएटिविटी का काम है, ग्राफिक डिजाइनर है, डिजिटल मार्केटिंग में है, टूर ट्रैवलिंग यात्रा का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, ट्रैवल एजेंसी है आपकी, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं आप, यानी थर्ड हाउस की जितनी भी सारी एक्टिविटी हैं उनसे आपको फायदा मिलता है कि जी मैंने इस दौरान एक वेबसाइट बनाई, वहां से मुझे पब्लिक मिल गई, मैंने ऑनलाइन पोर्टल से लोगों के साथ जुड़कर काम करना शुरू कर दिया, अपना पोर्टल बना लिया, या अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब का पेज बना लिया, मेरा वो पेज राइज कर रहा है। तो ये सब चीज़ें थर्ड हाउस से आती हैं। एक नौकरी वाले व्यक्ति के लिए क्या होता है, जो सेल्स में है, मार्केटिंग में है, ज़्यादा भागा दौड़ी कर रहे हैं और उनको ज़्यादा फल भी मिल रहा है, उनको कहीं ना कहीं से ये उन चीज़ों से जोड़ने का कनेक्शन है। आपकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा राइज मिलता है, आपकी दशाएं कम चल रही हैं तो आपको राइज कम मिलता है। लेकिन हाँ, शनि गुरु का परफेक्टली रीजन ये है, शनि यहाँ से बैठकर देखते हैं 7th हाउस, गुरु भी यहाँ से बैठकर देखते हैं 7th हाउस, और अभी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने तक गुरु यहाँ देखेंगे। तो शनि गुरु का दोहरा गोचर 7th हाउस पद प्राप्ति का, नौकरी को संभाले रखेगा, व्यापार को संभाले रखेगा, काम में इज्जत बनी रहेगी, मान सम्मान मिलेगा, तो विवाह या वैवाहिक संबंध बनाने के लिए भी ये शुभ देखा गया है। अब आती है गुरु के राशि परिवर्तन की बात, क्योंकि शनि तो 2024 में राशि नहीं बदलेंगे। गुरु यहां से निकलकर कहाँ आएंगे, 4th हाउस में, 4th हाउस से बैठकर कहाँ देखेंगे, 10th हाउस को। सबसे पहले एक अच्छे भाव में एंट्री हो रही है गुरु की, ये तीसरा घर कोई बहुत अच्छा नहीं कहलाता, एक अच्छे भाव में एंट्री हो रही है पहली बात। चौथे घर में गुरु आ रहे हैं, चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख शांति का है, तो आपके जीवन में इनसे संबंधित स्थितियों के लिए ये पॉजिटिव हुआ। दूसरा, दो धन भाव का मालिक होकर यहाँ बैठा है, ये और ज्यादा खास हुआ क्योंकि गुरु धन का कारक भी है, धन का स्वामी भी है, केंद्र में भी गया है, तो ये आपके लिए और मजबूत हुआ। यहां से बैठ के गुरु 10th हाउस को देखते हैं तो कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा हुआ, यानी चीजें क्या हुई, बृहस्पति की स्थितियों से पॉजिटिव हुई। हमारा विषय दोहरे गोचर का, जिस भाव पर दोहरा गोचर पड़े वो भाव बली हो जाता है, तो यहाँ 10th हाउस पे शनि की भी दृष्टि, गुरु की भी दृष्टि, तो क्या हुआ, 10th हाउस बली, दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र, यश मान सम्मान ख्याति प्रसिद्धि नौकरी या व्यापार, उसके हिसाब से इसने इसको कहा कि हाँ ये कंडीशन आपके लिए बेहतर है, ये कंडीशन आपके लिए जीवन में बेहतर है कि भी आने वाला समय 1 मई के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ को 100% सिक्योर करेगा, स्ट्रांग करेगा। निर्भर किस पे करता है, निर्भर आप पे करता है कि आप उसे किस लेवल पर देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपकी दशा बहुत अच्छी चलिए, तो आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे, और आपकी हॉरोस्कोप नॉर्मल है और आप एक प्रयास कर रहे हैं नौकरी या काम के लिए, तो आप देखिएगा आपको इस दौरान अच्छा कोई पैकेज, अच्छी कोई नौकरी, अच्छा कोई सम्मान, यानी यहां से कह सकते हैं जी मेरे करियर का राइज कब होगा, भैया 1 मई के बाद तुम्हारे करियर में राइज होगा, 1 मई के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे जैसे ये समय आगे चलेगा आप देख लेना, 24 से अप्रैल 25 के समय में कुंभ राशि वाले जातक निश्चित राइज करेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब वो राइज बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है तो आपकी हॉरोस्कोप अच्छी है, आपका राइस धीरे धीरे हो रहा है तो आपकी हॉरोस्कोप में दशाएं जो है थोड़ा खिंचकर चल रही हैं। अदरवाइज कॉम्बिनेशन वाइज देखें, ट्रांजिट के हिसाब से देखें, गोचर के नियमों को देखें, तो वो 100% सत्य साबित होते आपको दिखाई देंगे, क्योंकि तो पहले भी ये कॉम्बिनेशन हमने बहुत लगाए हैं हॉरोस्कोप्स में, और लगे हैं और उनसे लोगों को फायदा भी मिला है। जय श्री राम।